आखिर में मेहमान होने का मैंने फायदा उठाया था। जिया भाई दो मिस हैं मेरे साथ, उस कलाम के पढ़ दीजिए जो आपने मेरे साथ, याद होगा एक दफ़ा नॉई की रिकॉर्डिंग के दरमियान, मना नहीं कीजिएगा, वो जो आपने ऐ जरी दिलेर पाओ था, नहीं वो एक छोटे दो मिस हैं, एक बेटी तो बनी किए, मैं उसके लायक हरगिज़ नहीं हूँ। ये बहुत बड़ा नौहा खान है, बहुत मौला ने इसको मंजूर नजर रखा हुआ है। मीर अमीज की एक दुआ जो उन्होंने अशार में कलम बंद की थी, मुझे लगता है कि शायद नदीम की मां ने भी वही दुआ की थी। या रब चमने नज़्म को गुलजारे इरम कर, या रब चमने नज़्म को गुलजारे इरम कर, ऐ अबरे करम खुशक ज़िरात पे करम कर, ऐ अबरे करम खुशक ज़िरात पे करम कर, तू फैज़ का मबदा है तवज्जे कोई दम कर, तू फैज का मबदा है तवज्जे कोई दम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर, जब तक ये चमक महर के पर्दों से न जाए, जब तक ये चमक महर के पर्दों से न जाए, इकलीम में सुखन मेरे कलम रो से न जाए। तो ये एक मुस्तजाब दुआ है माँ की और मीर अनीस की, जो मेरे भाई नदीम सरवर को मौला ने मुस्तजाब किए कि गले में वो सोज इतना बेहतरीन अंदाज से, इतने अच्छे अंदाज से तकरीबन दो घंटे ढाई घंटे से पढ़ रहे हैं और कोई थकावट का असर नहीं है, कोई वो नहीं है। मौला इनको सलामत रखे, आबाद रखे, हर बला से हराफा से दूर रखे, और इसी तरीके से पूरी पूरी दुनिया में इसी तरीके से फरोख अज़ाम जारी और सारी रखे। कलाम था जो मैंने और जिया भाई ने मिलके पढ़ा था, और मेरी दरख्वास्त पे जिया भाई वहाँ पर आ गए थे। अब उसकी तमीज जाहिर है कि इतने दिन हो गए शायद याद नहीं होगी। मैं चाहता हूँ जहाँ से मैं शुरू, Oh,
شہید کربلا دل رے با وفا ویسے کہوں گا جیسے کہ ہوئے بازوے شہید کربلا جان پاتے ماں مرتضی سلسلہ یا وجیہا عند اللہ عشق و لنا عند اللہ ہم
किरदिगार रोए हैं जो दुआए तवस्सुल में जार जार सुन ले सदाए सरवर और रेहान एक बार।